है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा मायके में पहला दिन है और हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं 1:20 पे, और हम जा रहे हैं नहा के बस अनका को लेने, और आते ही हमारी ड्यूटी चालू हो गई है। और फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट डे अनिका का, इतने दिनों के बाद वो गई है स्कूल, बहुत मुश्किल से गई हैं। और उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि स्कूल जाऊँ, कह रही थी मम्मा मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं, इतने दिनों से छुट्टी मारी है, अब चले जाओ बच्चा। तो गई है तो मुझे लेने जाना है उसकी, तो मुझे छुट्टी होगी तो जा रहे हैं हम धीरे धीरे। आगे हैं ये देखो पूजा, उनको भी लेके जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए और नहीं आते सब्सक्राइब। तो अभी इनका को पता नहीं है कि हम आ रहे हैं उनको लेने के लिए। और जब उनको हमको देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी इनका देख के बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ओके बने रहिए। हम लोग पहुंच गए हैं मनसारामन, और अभी तो ये पास में स्कूल है। और मनसारामन में एकदम से कोई नहीं दिख रहा है, ऐसे ही लोग दिख रहे हैं बस, कोई भी नहीं है। और यहाँ पे ना तो मायके का पहला दिन कैसा रहता है वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। रात में आने के बाद मैंने आप लोगों से कोई बात भी नहीं करी थी, ना तो वीडियो एंड किया था, क्योंकि इतना हम परेशान ही थे और कुछ मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है इस वजह से। लेकिन हमारा ये काम है ब्लॉगिंग करना, तो वो हम करना तो नहीं छोड़ देंगे, अब अच्छा लगे या ना लगे, है ना। तो हम वही कर रहे हैं। तो कहाँ कर लो, तो वही है। और यहाँ पे इतना पतझड़ हो गया है, ये देखो भाई इतना पतझड़ हो गया यहाँ पे, सब पत्तियाँ पड़ी हैं। और वहाँ पे हमारे ससुराल में कहीं पतझड़ नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चलिए फिर चलते हैं, है ना गाइस। कैसा रहा आज स्कूल, टीचर से मिली? हाँ अच्छा लगा। और सारी फ्रेंड्स से? मैम ने ये नहीं पूछा क्यों नहीं आ रही थी? डरता ही नहीं, ओह। और आज हम आपको सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज में ये है, हम आपको आज डांस क्लास जहाँ है, जहाँ पे डांस सिखाया जाता है, वहाँ पे लेके चलेंगे अभी आपको। हाँ तो चलते हैं, है ना अनिका। सरप्राइज अनिका को हम ले आए हैं और यहीं पास में डांस सिखाया जाता है, पे दिखाएंगे जाके उनको डांस सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको वहाँ का भी दिखाते हैं, और चलते हैं अनिका को देखते हैं कि अनिका को कैसा लगता है वहाँ पे। वहाँ पे बच्चे डांस सीखते हैं। हाँ यार, अनिका कह रही है सरप्राइज कभी बताया नहीं जाता है, मम्मा के मुँह में नहीं रुकता बच्चे। तो चलिए गेम दिखाते हैं अभी आपको। ताला पड़ेगा का? चलो 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 चलो। तो चलिए गाइस हम आ गए हैं अंदर का, देखते हैं चलते हैं। तो अंदर हम देखने गए, बट अंदर का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ मैंने वहाँ पे जाके अंदर बात करी कि बच्चे मतलब यहाँ पे डांस सीखते हैं कि नहीं, तो बच्चे भी सीखते हैं। तो अनिका के अभी टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए हैं ना, तो अनिका अभी नहीं सीखेगी, टेस्ट के बाद मैं उसको ज़रूर सिखवाऊँगी डांस, उसका मन भी है डांस मतलब सीखने का। तो आज अब करने जा रहे हैं मम्मा का फेशियल, तो हम लोटस का है, ये लोटस का हम करेंगे मम्मा का, और ये डायमंड वाला फेशियल किट है, और ये हमने मंगवाई है डायमंड की ही, नेचुरल की है। ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लीच क्रीम,
तो इसको हम मम्मी के पहले ब्लीच करेंगे, उसके बाद फेशियल स्टेप टू स्टेप करेंगे मम्मी को। बहुत दिन बाद हम फेशियल करने जा रहे हैं, तो आपके लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और तो प्लीज़ न्यू आते तो सब्सक्राइब, और न्यू आते तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ में वीडियो के एंड तक रहना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में। पटाख से हम बालों को समेटते हैं और करते हैं। गाइस मेरे तो सुन के कान ने ना खट्टे हो गए थे। 1 लाख का एक पान भैया मैं तो कभी ना खाऊंगी। 1 लाख जोड़ने में मतलब इतना वक्त एक लगता साल है। लग जाता है। और एक दिन में 5 मिनट के लिए वो हम 1 लाख रुपया पान में उड़ा दे। 1 लाख का पान मतलब मुंह में रख के चबा के थू। वो वही खा सकते हैं जिनको भैया बड़ा पैसा है। अरे गरीबों में जाके बांट दो, जिनको जरूरत है, जो बेचारे रोड पे पड़े हैं उनको दे दो, तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन 1 लाख का एक पान तो भैया मैं कभी नहीं खाती, ना मैं कभी खाऊंगी। मेरे पास है ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। 1,000 का भी मैं नहीं खाऊंगी पान, सच्चे में गाइस। मैं सिर्फ 8 रुपए का। 15 का मिलता है। नहीं 8 वाला भी आता है। इनको ज्यादा पता है। उस दिन खाई थी गाइस ये पान। हम पहले खाते थे 1 रुपए का। शक्ल दिखाओ पर गाइस यहाँ देखो भगती है गाइस, शक्ल आ दिखाती है। क्योंकि अनिका का मन है डांस सीखने का, वो घर पे भी डांस किया करती है। तो देखो जैसा मतलब रहेगा आप लोगों के साथ में, तब मैं मतलब शेयर करूँगी। जब वो सीखने लग जाएगी तब मैं भी ब्लॉग बनाऊँगी, तब अच्छा भी लगता है ब्लॉग बनाते हुए, है ना। और काश मेरा बच्चा मतलब डांस सीख के और वो अच्छा डांसर बन जाए या कुछ बन जाए, जो उसका मन होगा वो बनेगा। मैं उस पर छोड़ रही हूँ, बाकी तो वो तो अभी बोलती मम्मा मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि जो उसके पापा बोलते थे। तो यहाँ पे मम्मा को मैं ब्लीच लगा रही हूँ, और बहुत दिन बाद मैं फेसियल करूँगी। और ब्लीच मैं लगा रही हूँ ये मतलब फास्ट मैंने लगा के रखा है, और ये ना लगे कि इतनी मैं फास्ट लगा रही हूँ क्योंकि मैंने फास्ट लगाया है। तो ये मायके का दिन ऐसा कुछ रहा है, और किस चीज़ की मतलब तैयारी ये चल रही है जो मम्मा को मैं फेसियल वगैरह कर रही हूँ। आप लोग बने रहोगे तो आपको पता चलेगा। और मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ जो न्यू आया हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। पीछे भाभी बैठी हुई हैं, और मैंने नेक में और फेस पे पूरा ब्लीच लगा दिया। और ब्लीच लगाने के पहले आपको ज़रा सा भी मतलब थोड़ा सा ब्लीच चेक कर लेना चाहिए कि आपको जलन तो नहीं कहीं से हो रही, क्योंकि बहुत लोगों को सूट नहीं करती है। तो मैंने पहले मम्मी को चेक कर लिया था, तो यहाँ पे ब्लीच सूख गई है, वो मैं निकाल लूँगी और फिर उसके बाद फेसियल कर दूँगी मम्मी का। काफ़ी दिन बाद करने जा रही हूँ, देखो कैसा होता है। और मैंने फास्ट ही लगा के रखा है पूरी, नहीं तो फिर होता नहीं है। ब्लीच मैंने क्लीन कर दिया। ब्लीच लगाने के बाद चेहरा मतलब थोड़ा सा निखर जाता है ना, पहले से और अभी के चेहरे में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो मम्मी का मतलब गर्दन दर्द हो रहा था तो मैंने लगा दिया है तकिया। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रब होता है, और शायद 4 निकले थे इसमें पाउच, तो जेल वगैरह स्क्रब और मास्क यही सब कुछ होता है। और करने को तो बराबर मैं कर दूँगी। और देखिए मेरे मैं कर रही हूँ फेसियल, और क्या बोलूँ मैं। तो चलिए फिर बने रहिए अभी आप लोग।
तो यहाँ पे बराबर मतलब मैं कर रही हूँ, भाभी अपना काम कुछ कर रही थी और पूजा भी आ गई है। और रात ठंड थी गाइस, क्योंकि बारिश हो रही थी जिस दिन मैं फेसियल कर रही हूँ उस दिन बारिश हो रही थी। तो अनिका बोली थी मम्मा मुझे बॉलीवुड में जाना है और डांस सीख लूँगी तो मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो डांसर कह रही थी मम्मा जो मैं जो अच्छा डांस आ जाएगा तो मैं क्या मैं बॉलीवुड से मुझे बुलाएंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं बुलाएंगे। तो यहाँ अनिका मतलब मुझसे कह रही थी जब मैंने उसको डांस क्लास दिखाया था जाके, और मैंने उससे बोला कि आपके लिए सरप्राइज़ है, फिर मैंने उसे बता दिया क्योंकि मुँह में मेरी बात रुकती नहीं है। और तो अनिका क्या कह रही थी मम्मा सरप्राइज़ कभी बताया नहीं जाता बोल रही थी, आप लोगों ने सुना होगा। तो आज का ब्लॉग में इतना ही गाइस, और एंड कर दूंगी अभी मैं इसके बाद, क्योंकि फेसियल करने के बाद फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बात भी करूंगी। और मम्मा का मैंने यहाँ पे सारे स्टेप हो जाते हैं, लास्ट में मैंने फेस पैक लगा दिया है और ये 15-20 मिनट तक लगाए रखूंगी। जब ये पूरा सूख जाएगा तब मैं इसे क्लीन कर दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ गाइज और बात करती हूँ, फिर ब्लॉग को एंड कर दूंगी। और तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं अभी आप लोगों से। तो गाइस फेसियल हमने कर दिया है और बहुत मतलब दिन क्या पूरे साल डेढ़ साल दो साल बाद मैंने किया होगा, मैं ऐसे एक दो बार मम्मी का किया है तो हाथ बिल्कुल दर्द से होने लगे हैं, लेकिन मेरे हाथ थोड़ा सा डल हो गए थे ना वो साफ साफ हो गए, दो बेनिफिट हुआ मेरे साथ डबल बेनिफिट। तो अभी पूजा कह रही है मेरे भी करो, अब पहले मैं खाऊँगी खाना और इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बारिश हो रही है लगातार, ये रहा पिंपल, देखो निकल आया इतना भारी शब्द।